हे गाइस, सबसे पहले तो आप लोग ये देखो हमारे गेम में आने वाला रुक एफएफ का बंडल। स्वागत आपको फिर से एक नई तबाही अपडेट की वीडियो में। इसमें आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, क्योंकि इस दिसंबर के मंथ में हमें काफी अच्छी अच्छी अपडेट मिल रही है। साथ में वैसे अपडेट भी मिल रहे हैं जो फ्री में है, लेकिन बहुत ही अच्छे अपडेट, मतलब हमें फ्री में भी मिलेगा और देखने भी अच्छे खासे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखें। अब रुक एफएफ बंडल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अपनी न्यू फीमेल कैरेक्टर के बारे में। जी हाँ गाइस, हमारे गेम में आने वाली एक न्यू फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम अनीता पेत्रोया है। कब आने वाली इसका भी कंफर्म डेट बताऊं। साथ में बात करेंगे अपने ईवो गन के बारे में। हमारे गेम में न्यू ईवो गन एड होने वाली है, तो वो कौन सी गन है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में मैं उसका पूरा फुल रिव्यू करने वाला हूं कि हमें किस लेवल पर कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आपको तो पता है मैं हर अपडेट में फ्री के रिवॉर्ड के बारे में तो बात करता ही हूँ, तो आज भी हम अपने फ्री में मिलने वाले रिवॉर्ड्स के बारे में बात कर लेंगे। साथ में न्यू गोल्ड रॉयल, डायमंड रॉयल, सारे इवेंट के बारे में आज हम बात कर लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखना। क्यों नहीं? क्योंकि इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी और आप अपने डायमंड सही जगह पे यूज करके सही चीज निकाल पाओगे। तो चलिए अब जानते हैं अपने इवेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये देखो हमारे गेम में ऐड होने वाली न्यू ईवो गन जो AN-94 का गन है। चलिए करते हैं इसका हम फुल रिव्यू। तो चलिए बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट के बारे में। तो इसमें हमें डैमेज सिंगल प्लस मिल रही है, रेट ऑफ फायर भी सिंगल प्लस और एक्यूरेसी डबल माइनस। मुझे तो ये गन उतना भी अच्छा नहीं लगा। चलिए तब पर भी देख लेते हैं इसके और स्किन इफेक्ट्स के बारे में। तो स्किन को निकालने के बाद लेवल 1 पर तो सिर्फ इसका स्किन ही मिलने वाला है। लेवल 2 करने पर किल नोटिफिकेशन मिलेगा, लेवल 3 करने पर कुछ स्किन अपग्रेड होगा, लेवल 4 पर ये हिट इफेक्ट मिलने वाला है, साथ में लेवल 5 पर ये किल इफेक्ट भी मिलेगा, लेवल 6 पे कुछ नहीं बस स्किन अपग्रेड हो, लेवल 7 में हमें ये इमोट मिलने वाला जो कि ये AN-94 का इमोट होने वाला है, जो कि देखने में तो ठीक ठाक ही है, लेकिन ईवो गन में एक्यूरेसी माइनस करके ये गलत कर दिया ग्रीनर ने। तो आप लोग को ये गन कैसे लगे मुझे कमेंट में बताना, और कौन कौन निकालने वाला ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। आपको तो पता है हमारे गेम में सीजन 1 से लेकर सारे इलाइट पास आने वाले हैं, तो उसके लिए गरेना कुछ ना कुछ तो टॉप इवेंट में लेस करेगी ही। कहने का मतलब ये है कि इलाइट पास आएंगे तो इलाइट पास निकालने भी तो चाहिए। इसके लिए गरेना हमें टॉप अप इवेंट में टॉप अप बोनस इवेंट देगी, जिसमें हमें कुछ डायमंड टॉप अप करने पर कुछ डायमंड फ्री मिलने वाले हैं। तो शायद ये टॉप अप इवेंट हमारा अगला टॉप अप इवेंट हो सकता है। अच्छा, तो चलिए बात कर लेते हैं अपने डायमंड रॉयल बंडल के बारे में कि हमें अगला डायमंड रॉयल बंडल कौन सा मिलने वाला। तो आप लोग देख सकते हो ये ब्लू रेनगेट बंडल हमारा अगला डायमंड रॉयल बंडल होने वाला, जो कि ब्लू नेम के साथ साथ ब्लू बंडल भी है, जो कि ठीक ठाक ही है। इससे अच्छा मुझे गोल्ड रॉयल में आने वाला बंडल लग रहा है। तो ये देखो, ये हमारा न्यू गोल्ड रॉयल बंडल जो कि अगले मेल बंडल में आने वाला, जो कि काफी स्टाइलिश देखने में लगता है। हाथ में टैटू वाटू, खुले शर्ट, देखने में पूरा स्टाइलिश लग रहा है। तो भाई साहब, मैं तो इसे निकालने वाला हूँ, साथ में गेम प्ले भी करने वाला, क्योंकि ये बंडल अब तक का सबसे अच्छा गोल्ड रॉयल बंडल होने वाला है। राजा जी, क्या लग रहे हो? बाराती लग रहा भोसड़ी के नाचते नाचते पैसे चुराने वाले बच्चे भगाता है। तो ये हमारे अगले मेल बंडल में आने वाला है। अब चलिए बात कर लेते हैं अपने न्यू कैरेक्टर के बारे में। तो हमारा न्यू कैरेक्टर एक फीमेल कैरेक्टर होने वाली है जो अनीता पेत्रोया है। इसके साथ ग्रेना ने कब का कोलैबोरेशन कर लिया था, लेकिन पता नहीं इंडिया में क्यों नहीं आया इसका कैरेक्टर। लेकिन अब लीक्स के अनुसार ये 7 दिसंबर को इंडिया सर्वर में देखने को मिलेगी, तो देखते हैं ये आती है या नहीं आती है। चलिए बात कर लेते हैं अपने फ्री इवेंट्स के बारे में, मतलब कि क्रिसमस डे में मिलने वाले फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में। मेरे पास कोई और रास्ता है। तो 20 से 25 तारीख के बीच में हमारा हेलो दिसंबर करके एक इवेंट आने वाला है, जिसमें हमें ये स्नोमैन का बंडल फ्री में मिलने वाला है। मतलब बोला जाए तो कुछ इवेंट करके मिलने वाला है, मतलब कुछ मिशन को कंप्लीट करके या फिर 5-day लॉगिन पर हमें ये बंडल बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो बंडल देखने में भी एकदम मस्त है स्नोमैन की तरह, तो जो भी मिशन आए इसे कंप्लीट करके निकाल लेना। साथ में बात कर लेते हैं न्यू इंक्लूबेटर बंडल के बारे में। तो अभी सारे सर्वर पर गोल्डन सेट का बंडल वापस दिया जा रहा है, शायद ये हमारे इंडिया सर्वर में भी अगला इंक्लूबेटर बंडल हो सकता है, या फिर ये नहीं हुआ तो अगला बंडल हमारा पापा का परा होने वाला है। ये दोनों बंडल में कोई भी बंडल हमारा अगला इंक्लूबेटर बंडल होने वाला है। अच्छा, साथ में आपको मैं ये बता दूं, हमारा फुटबॉल फेवल का कैलेंडर निकल गया है, तो आप लोग ये देख सकते हो, ये है हमारा फुटबॉल फेवल का कैलेंडर, जो कि हमें क्या क्या रिवॉर्ड्स किस दिन मिलने वाले हैं आप लोग देख सकते हो। बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल्स अभी तक नहीं आई है, जैसे इसके इवेंट्स के बारे में कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि ऐसी अपडेट की वीडियो मैं लाता रहता हूं। अब चलिए बात कर लेते हैं अपने रुक एफएफ बंडल के बारे में। जी हां गाइस, रुक एफएफ बंडल, तो ये बंडल के साथ अभी कोलैब चल रहा है फ्री फायर का, तो ओबी अपडेट के बाद ये बंडल शायद हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि दिसंबर के लास्ट तक में एक ओबी अपडेट आएगा जिसमें सारे इवेंट होंगे। और आपको तो पता ही, जनवरी से हमारे गेम में बुया पास आने वाला, तो है इसके लिए सारे थीम अपडेट सारा चीज चेंज होने वाला है, जिसके कारण बीच में एक ओपी का अपडेट आएगा। साथ में एक और बंडल आने वाला है जो कि हुडी बंडल है, मतलब बोला जाए तो फुल जैकेट स्वेटर वाला बंडल, जो कि माथे पर हुडी का केप लगाया हुआ है। तो ये बंडल भी एक नंबर है। बाकी यही थी आज की अपडेट वीडियो में। तो आपको ये सब अपडेट में कौन सा अपडेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं शाम की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।